खबर सीहोर जिले से है, जहां भोपाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीहोर और विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बुधनी इछावर में मतदान के लिए मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित की गई। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत विदिशा और भोपाल संसदीय क्षेत्र में 7 मई को मतदान होगा, जिसके लिए मतदान दल पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए। वहीं मतदान सामग्री वितरण के दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने सामग्री वितरण स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सामग्री वितरण के दौरान अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, एएसपी गितेश कर, संयुक्त कलेक्टर नितिन टाले सहित अन्य अनेक अधिकारी कर्मचारी सामग्री वितरण व्यवस्था को सुचारू संचालित करते रहे। निर्वाचन को लेकर लोगों ने आज माना करने के लिए डिपार्टमेंट को जब दिया है और इस पूरी व्यवस्था में ऊर्जा से पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हमारी करीब 90 से अधिक सेक्टर मोबाइलें भ्रमण करती रहेंगी सभी बूथ पे। हमें करीब 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज की मिली है, जो सीआरपीएफ के हमारे आर्म्ड कंपोनेंट है, क्रिटिकल मतदान केंद्र है, वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स रहेंगे, पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ में जो भी हमारे वल्नरेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसमें जो भी मतदान प्रभावित करने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके विरुद्ध हम लोगों ने करीब ऐसे 51 लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने आज जो है हमारा सीहोर, इछावर और बुधनी 3 जगह 3 विधानसभा चुनाव होने हैं, कलवा चुनाव होने। उसके लिए लगभग 5,000 के आसपास जो है शासकीय कर्मचारी पूरे चुनाव को संपादित कराएंगे। 2,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है इनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। सारी गाड़ियां जिसमें ये सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी जाने वाले हैं उनमें GPS लगाए गए हैं। सारे मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई। इस बार गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर बहुत अच्छी छाया की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और अतिरिक्त कुर्सियों की व्यवस्था करिए, ताकि लोग आराम से जो है अगर वेटिंग करना भी पड़े तो धूप में परेशान ना हो, आराम से तो वोट कास्ट कर पाए। इस बार जो है 1200 से अधिक जहाँ पर वोटर्स हैं वहाँ पर हमने पहले से एक आदमी पोलिंग पार्टी में खड़ा किया, जहाँ पर 4 लोग हो रहे हैं, इस बार 5 लोग ड्यूटी लगाई है, ताकि मतदान की प्रक्रिया में जो समय कम लगे और लोगों को धूप में परेशान ना होना पड़े। मेरा सीहोर के सभी सामान्य मतदाताओं से अनुरोध रहेगा, इस बार बहुत सारी तैयारियाँ जिला प्रशासन ने करी है। सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि कल के दिन जो है जरूर वोट करने निकले और समय भी बहुत ज़्यादा है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग का समय है। निर्वाचन आयोग के द्वारा हम महिलाओं को पिंक बूथ को जो कार्य सौंपा गया है चुनाव के लिए, उसके लिए हम सभी महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हम सभी महिलाएं बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और इस कार्य में सफलता भी हासिल करेंगे। चुनाव आयोग के लिए धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा। और मैं पहली बार मतदान कराने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और निर्वाचन आयोग जैसे मैंने पढ़ा है तो आज मैं निर्वाचन आयोग की सारी चीज़ें अपने हाथों से मतलब करके देखूंगी, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं आज अपने हाथों से मतदान करवाऊंगी।